हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के पूरे रूट के बारे में। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे देश का दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है। अपने 1257 किलोमीटर के रूट में ये कहां कहां से पास करेगा, इसका पूरा रूट मैप आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये एक्सप्रेसवे टोटल 4 स्टेट्स से पास करेगा, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। पूरे एक्सप्रेसवे को 8 सेक्शन में डिवाइड किया गया है, 5 ग्रीनफील्ड और 3 ब्राउनफील्ड सेक्शन। ये पूरा एक्सप्रेसवे बनने के बाद ऐसा दिखेगा। इसमें आधे से ज्यादा लेंथ राजस्थान में आती है, जिसकी लेंथ है 637 किलोमीटर, गुजरात में 388 किलोमीटर, पंजाब में 177 किलोमीटर और हरियाणा में 45 किलोमीटर इसकी लेंथ आती है। ये एक्सप्रेसवे कपूरथला डिस्ट्रिक्ट में शुरू होगा, टिब्बा विलेज के पास से। अमृतसर सिटी से 45 किलोमीटर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में यहाँ पर ये अंडर कंस्ट्रक्शन दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे से मिलेगा। ये पूरा ग्रीनफील्ड सेक्शन होगा, जो कि मोगा के ईस्ट से पास करेगा और यहीं पर NH5 से भी कनेक्ट होगा। भटिंडा के पास लुधियाना का पर भी इससे लिंक किया जाएगा। आगे ये भटिंडा के साउथ ईस्ट से होता हुआ जाएगा, जहां ये NH54 से मर्ज हो जाएगा सिटी के साउथ में। यहां पर 155 किलोमीटर लंबा पहला सेक्शन खत्म हो जाएगा। इसके आगे ब्राउनफील्ड सेक्शन शुरू होगा, जिसमें NH54 को अपग्रेड करके एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इसके दोनों साइड सर्विस रोड्स भी होंगे। अब यहां से इस एक्सप्रेसवे की एंट्री हरियाणा में हो जाती है, पंजाब से निकलकर। आगे चौटाला के पास एक्सप्रेसवे NH54 से डाइवर्ज हो जाएगा और यहीं पर दूसरा सेक्शन भी खत्म हो जाएगा 85 किलोमीटर लंबा। इसके आगे एको ग्रीनफील्ड सेक्शन शुरू होगा और यहाँ आगे चलते चलते ये बीकानेर के ईस्ट से गुजरेगा 25 किलोमीटर दूर और यहीं पर ये NH11 से भी कनेक्ट होगा। थोड़ा आगे जाकर ये रसीसर के पास NH62 से लिंक होगा और यहीं पर थर्ड सेक्शन भी खत्म हो जाएगा 252 किलोमीटर लंबा। राजस्थान के डेजर्ट में कई किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद ये जोधपुर से 45 किलोमीटर वेस्ट से होता हुआ जाएगा, जहां ये NH125 से लिंक होगा। यहां पर इसका 176 किलोमीटर लंबा चौथा सेक्शन भी खत्म हो जाएगा। आगे बालोतरा के पास ये NH25 और NH325 से भी कनेक्ट होगा। रेगिस्तान में और कई किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद ये साचौर में पहुंचेगा, जहां ये NH68 से भी कनेक्ट होगा उसके साउथ में। यहीं पर 209 किलोमीटर लंबा फिफ्थ सेक्शन भी खत्म हो जाएगा। आगे ये NH68 के पैरेलल चलेगा, यहाँ ये गुजरात में एंटर करेगा और आगे मोता मसारा के पास ये NH68 पर मर्ज हो जाएगा, जहाँ पर इसका 20 किलोमीटर लंबा ब्राउनफील्ड सेक्शन बनेगा। आगे थराड़ के पास ये फिर से डाइवर्ज हो जाएगा NH68 से, फिर इसका ग्रीनफील्ड सेक्शन चलेगा सांतलपुर तक। यहीं पर एक्सप्रेसवे का छठा सेक्शन भी खत्म हो जाएगा। आगे इसका ब्राउनफील्ड सेक्शन शुरू होगा, जिसमें ये NH27 के साथ चलेगा। सामाखियाली में इसको NH41 से भी कनेक्ट किया जाएगा, जहां से ट्रक्स एग्जिट ले पाएंगे पोर्ट्स में जाने के लिए। NH41 दोनों मेजर पोर्ट्स को सर्व करता है, मुंद्रा पोर्ट और कांडला पोर्ट। आगे मालिया के पास एक्सप्रेसवे NH27 से निकलकर NH151A पर मर्ज हो जाएगा। यहीं पर इसका 7th सेक्शन भी खत्म हो जाएगा 124 किलोमीटर लंबा। यहां से एंड तक ये ब्राउनफील्ड सेक्शन ही चलेगा NH151A के साथ। रास्ते में कई स्टेट हाईवे से भी कनेक्ट होता हुआ जाएगा जामनगर में खत्म होने से पहले। ये लास्ट सेक्शन 131 किलोमीटर लंबा होगा। ये पूरा एक्सप्रेसवे ऐसा दिख, राजस्थान में आती है 637 किलोमीटर, गुजरात में 388 किलोमीटर, पंजाब में 177 किलोमीटर और हरियाणा में 45 किलोमीटर आती है। अपने पूरे रूट में ये कई मेजर सिटीज के पास से गुजरेगा और सारे नेशनल हाईवे से कनेक्ट भी होगा। इसकी ज्यादातर लेंथ कंट्रोल एक्सिस होगी, कुछ ब्राउनफील्ड सेक्शंस के पार्ट को छोड़कर। इसके अलावा एग्जिस्टिंग हाईवेज जो पोर्ट्स तक जाते हैं उनको भी अपग्रेड किया जाएगा। ये एक्सप्रेसवे खुलने के बाद पूरे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा और जो अंडर कनेक्टेड एरियाज है उनको बेहतर कनेक्टिविटी भी मिलेगी। और अगर आपको इस एक्सप्रेसवे की डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे उस वीडियो को देखना ना भूले, जिसमें हमने अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे की डिटेल इन्फॉर्मेशन दी है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।